रानी रानी को खोलिए। ये सब क्यों किया आपने? रानी रानी को खोलिए, विजय खोलिए, मेरी हथकड़ी खोलिए प्लीज, प्लीज विजय, विजय प्लीज। हटिए ना, अरे क्या कर रहे हैं आप? पीर, पीर। भाभी साहब, इंस्पेक्टर विजय, एम्बुलेंस बुलाओ। यार, जब तक यहाँ पर स्पॉट पे डॉक्टर आएगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। प्लीज मुझे मुझे ट्रीट करने का परमिशन दीजिए प्लीज। मैं अलाउ नहीं कर सकता। यू आर अंडर अरेस्ट। इट्स माय ड्यूटी सर, प्लीज। ड्यूटी हमारी भी है कोर्ट सर, कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशन है, प्लीज बात को समझिए। अरे बाहर में जाए आपके रूल्स। देखिए ना कितना खून बह रहा है, मुझे बहुत देर हो जाएगी। आप नजदीकी हॉस्पिटल से एम्बुलेंस बुलाइए। अरे रानी बिटिया, हमारी बिटिया है, इन्हें आने दीजिए। क्या होगा? आने दीजिए इन्हें। रानी 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 क्या होगा? रानी पकड़ क्या हुआ हमारी बिटिया को? अरे हम मना किए थे, काका मना किए थे। रानी बिटिया क्या हो गया? योर ऑनर, जैसे आपने हर बार सही इंसाफ करने की शपथ ली है, वैसे मैंने हर एक पेशेंट को बचाने की। शी इज माय वाइफ, मेरी पत्नी है ये। अगर मेरे रहते हुए इन्हें कुछ हो गया तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मुझे इन्हें ट्रीट करने की परमिशन दीजिए प्लीज। हमारी भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी आपकी है वीर। इंस्पेक्टर इन्हें लेकर जाइए और एम्बुलेंस बुलाइए जल्दी। ऐसा मत कीजिए योर ऑनर, प्लीज मेरी बात सुनिए। कोई मुझे हाथ नहीं लगाएगा। गन नीचे कीजिए, आप बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे कुंवर साहब। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी को बचाना चाहता हूँ विजय, प्लीज 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 अलाउ मी। वीर गन नीचे रखो। आर यू क्रेजी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? एक प्रॉब्लम अभी तक सुलझी नहीं, तुम दूसरी खड़ी कर रहे हो बेटा, प्लीज। कुंवर साहब रानी साहब की बात मानिए, गन नीचे कीजिए। अरे कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा आप लोगों ने मेरे पास, प्लीज प्लीज कुंवर साहब, गोली चल जाएगी, गन नीचे खींचे। अच्छा, किसी के हर्ट होने का डर लग रहा है आपको? मुझे भी वही डर लग रहा है विजय, रानी के लिए। यार मैं बस उन्हें ट्रीट करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। तुम पर वैसे भी बहुत गंभीर आरोप लगे हुए हैं, क्यों अपनी परेशानियां बढ़ाना चाहते हो? पिस्तौल नीचे करो। अगर मेरे होते हुए उन्हें कुछ हो गया ना, क्या करूंगा मैं? कैसे फेस करूंगा मैं खुद को? प्लीज मुझे परमिशन दे दीजिए प्लीज। प्लीज टाइम नहीं हमारे पास, जल्दी। आई बेगिंग यू प्लीज। ठीक है पर तरीका गलत है। गन नीचे करो, गन नीचे। विजय हथकड़ी खोलो इनकी, जल्दी क्विकली प्लीज। रानी आइए, रानी आइए। Yes, sir. की मशीन काम क्यों नहीं कर रही है? सर ये चलती नहीं है। What? ऑपरेशन कैसे करते हैं आप लोग? सर ये छोटा सा क्लिनिक है, सर्जरी केस यहाँ नहीं आते, उन्हें बड़ी ब्रांच ले जाया जाता है। ओके, ऐसे क्यों कह रानी आपने? पूछ लाई आपने गाड़ी, नहीं करना चाहिए था आपको। कुछ नहीं होने दूंगा मैं। नर्स मेरी बात ध्यान से सुनिए, आई वांट सर्जिकल टूल्स, सर्जिकल एप्रन एंड ग्लव्स, आई वांट सेडेटिव्स, पेन किलर्स एंड जनरल एनेस्थेसिया इमीडिएटली। क्विक क्विक क्विक, गो 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 फास्ट।
ब्रो को बचाने के लिए भाभी साह ने अपनी जान दांव पे लगा दी। अगर आज उनको कुछ हो गया ना तो हम में से कोई खुद को माफ नहीं कर पाएगा। अरे काका धीरज रखिए, संभालिए खुद को। और बेटी, अरे तुम ही तो उनको हिम्मत देते हो, और तुम ही ऐसे टूट जाओगे तो फिर। अरे वो रानी है, बहुत ही जिद्दी हो, वो लड़ झगड़ के वापस आएगी, बता रहे तुमको। हमें वीर पर पूरा भरोसा है, वो अपनी जी जान लगा देगी, लेकिन बहू रानी को कुछ नहीं होने देगी। कभी नहीं सोचा था रानी वीर के लिए इस हद तक चली जाएगी। जो आज उसने किया है वो हर कोई नहीं कर सकता, उसका बचना जरूरी है। हमारे बीच जो डिफरेंस है वो अलग बात है, बट वो ये डिजर्व नहीं करती। प्लीज बताइए ना कैसी हैं वो। देखिए खून बहुत बह गया था, लेकिन डॉक्टर ने उनका पुराना चोट स्टिच कर दिया है, लेकिन एक्सीडेंट होने की वजह से उनके ऑक्सीजन में कमी आई है, इसलिए उन्हें ऑक्सीजन के सपोर्ट पे रखा गया है। पर हमारी पिटिया ठीक तो हो जाएगी ना? अभी वो थोड़ी बेटर है, बट होश आने तक हम कुछ कह नहीं सकते। छोड़िए इसे, छोड़िए, पहनिए वापस। ये कोई टीवी चैनल नहीं है कि पसंद नहीं आया तो बदल दिया आपने, और वैसे भी बहुत मनमानी चला ली आपने अपनी। अब मेरी बारी है, जो मैं आपको कहूंगा आप वही करेंगी। डू यू अंडरस्टैंड? क्यों किया ऐसा आपने? मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने आप को ऐसे सिचुएशंस में पाने की खुशी है आपको, या फिर ये इतनी सारी चोट अच्छे लगने लगे हैं आपको? हंसिए मत, मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सीरियस हूं। अपने भाऊजी के बारे में तो सोचना चाहिए था आपको। अगर दोबारा आपने ऐसे कुछ किया तो मेरे पास एक बड़ी नीडल वाली इंजेक्शन है, वो दे दूंगा आपको, समझिए आप। जज साहब ने आपको रिहा कर दिया ना डॉक्टर साहब? अभी भी मेरे बारे में सोच रही हैं आप, अपने बारे में नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, लेकिन वेकिन कुछ नहीं रानी। कुछ नहीं है, दवाई है, आराम कीजिए, फिर बाद में बात करते हैं। बेटा सब ठीक है ना? बहू रानी को होश आया? जी मैंने पेन किलर्स दी हैं, वो सो रही हैं अभी। आप सब चिंता मत कीजिए प्लीज। कुंवर साहब, हम रानी बिटिया से मिल सकते हैं का? थोड़ी देर आराम करने दीजिए, आप बाद में मिल लेना।
जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी विजय, लेकिन उस वक्त सिर्फ और सिर्फ रानी की जान बचानी थी मुझे और कुछ नहीं। एनीवेज मेरा काम खत्म हो गया तो आप लोग मुझे चले जा सकते हैं। अतुल, कोर्सा जज साहब ने कल की ही डेट दी हियरिंग के लिए। उनका कहना है कि रानी जी भले ही कितनी गंभीर हालत में हो लेकिन कोर्ट की हियरिंग को हम डिले नहीं कर सकते। या शो, जब तक कोर्ट अपना फैसला नहीं सुनाती मैं पुलिस कस्टडी में ही रहूंगा। दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद और अच्छे से परखने के बाद ये अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि मिसेज रानी वीर सिंह रजावत ने जिस तरीके को अपनाया वो गलत था, अनएक्सेप्टेबल था। उन्होंने कुछ बातें साबित करने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो सवाल इस कोर्ट पर भी खड़े होते। मैं नहीं चाहूंगा कि किसी भी चीज को साबित करने के लिए दोबारा इस तरह की हरकत की जाए, लेकिन इन्होंने जो किया, जो तर्क कोर्ट के सामने पेश किए, उसको नकारा भी नहीं जा सकता। 15 मिनट के अंदर रजावत हाउस से एक्सीडेंट स्पॉट पर जाना और वहां से वापस आना ये किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। इसलिए ये अदालत वीर सिंह रजावत को जमानत पर रिहा करती है। और पुलिस को आदेश देती है कि इस केस की नए सिरे से कार्यवाही शुरू की जाए और इस केस की अगली सुनवाई होली के अगले दिन यानी अगले सप्ताह होगी, क्योंकि वीर रजावत ने खुद इस गुनाह को स्वीकार किया है और अगर इनकी बेगुनाही का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता या इस एक्सीडेंट का असली जिम्मेदार सामने नहीं आता तो इन्हें दोबारा अरेस्ट कर लिया जाएगा। मिस्टर वीर, जब तक कोर्ट की प्रोसीडिंग पूरी नहीं हो जाती तब तक आप जयपुर छोड़कर नहीं जा सकते। इट्स एन ऑर्डर। अग्रीड योर ऑनर। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। साहब, आपको मेरे साथ चलना होगा, कुछ फॉर्मेलिटीज है पूरी करनी है।
कांग्रेचुलेशंस भाभी सा। जीते रहो बेटा, वीर घर आया है तो सिर्फ आपकी वजह से बहुरानी समझ में नहीं आएगी कि कैसे आपका शुक्रिया अदा करें। नहीं राजमाता जी, वो तो निर्दोष है, उनकी घर वापसी तो निश्चित थी, और आप सबकी प्रार्थना और प्रेम भी तो है उनके साथ। नहीं रानी, वीर को बेल दिलाने में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा है। थैंक यू। थैंक यू भाभी साहब। रानी बधाई हो, तू जीत गई। अरे हम तो कहते हैं तू अपना ये इंजीनियर वाला सपना छोड़ और ये काला कोट वाला पहन के वकील बन जा। नहीं बिरजू, जीत तो तब होगी जब हम असली मुजरिम को ढूंढ निकालेंगे। 30 मार्च तक का टेम है हमारे पास, उससे पहले असली गुनहगार को ढूंढकर ई मैटर खत्म करना होगा। इस बार कोई निर्दोष नहीं, असली मुजरिम जेल के सलाखों के पीछे होगा। और आज से, अभी से उल्टी गिनती शुरू। के वापस आने से हमारा अधूरा परिवार फिर से पूरा हो गया है वीर। ये घर कितना सोना हो गया था आपके बिना। राजेश्वरी, बड़े कुंवर सा की आरती करके उनका स्वागत कीजिए। आई होप कि अब ये केस भी जल्द से जल्द रफा दफा हो जाए। चाहते तो हम भी यही हैं डैड, बट आई एम श्योर इतना इजी नहीं होगा। जरूर होगा देवर जी, हम सब मिलकर आसान करेंगे इसे। और राजमाता जी, आज खुशी का दिन है, आपके इस चांद से चेहरे पर चिंता का साया नहीं पड़ना चाहिए। असली मुजरिम को तो हम जरूर ढूंढ निकालेंगे और डॉक्टर साहब की बेगुनाही को पक्के तौर से साबित करेंगे। आपने जो कर दिखाया है उसके बाद हम आप पर पूरा भरोसा करते हैं बहुरानी। हमें विश्वास है कि आप अपना मकसद पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और खास करके जब वो मकसद वीर से जुड़ा हो। हमें यकीन है कि सजा तो असली गुनहगार को ही होगी। नंदिनी दीदी कहीं नहीं दिख रही। तनाव की वजह से उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए हमने उनको उनके कमरे में भेज दिया है आराम करने के लिए। राजेश्वरी, आरती कीजिए। रानी साहब इतना परेशान क्यों लग रही हैं? वाली रानी को सच्चाई जानने से रोकना ही होगा, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी।
आपका ध्यान कहाँ है रानी सा? अभी दिया गिर जाता वीर पर तो। कुमुद काकी ने डॉक्टर साहब को वीर का है बोला।